इज व्हाट वकार यूनुस सेड। उन्होंने ये कहा कि मैं आधा ऑस्ट्रेलियन भी हूँ, डोंट कॉल मी अ पाकिस्तानी, इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वकार ने जो बात की ऑनेस्टली उन्होंने ये बात की है, क्योंकि अगर आपके पास नेशनलिटी है किसी और मुल्क की तो उस मुल्क का भी आप पर हक तो बनता है। पाकिस्तान का हक, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के लिए नाम कमाया, पाकिस्तान से वो कप्तानी की, पाकिस्तान की बहुत अच्छी बात है, ये सब पाकिस्तान को वो क्रेडिट इसका देना चाहिए और देते हैं और देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन वकार यूनुस ने अगर ये कह दिया कि मैं ऑस्ट्रेलियन भी हूँ, तो इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? आप अगर पाकिस्तानी होते हुए अमेरिका की नेशनलिटी आपके पास है, अमेरिकन पासपोर्ट आपके पास है, तो यू आर कॉल्ड अमेरिकन पाकिस्तानी, तो उसमें क्या बुरी बात है? आप अमेरिका की नेशनलिटी होते हुए भी आप पाकिस्तान के अफेयर्स में अपनी राय से नहीं करते हैं, राय देते हैं, ठीक है, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन किसी ने अगर ये सच बोल दिया, विच इज़ अ ब्लेटेंट ट्रूथ, जो कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वकार ने उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने बल्कि सच बोला है। सच बोला, ऐसा सच जो हम जानते ज़रूर हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं, मालूम नहीं क्यों। तो ये मेरा कहना है।